हम सोचते हैं लड़कियां हो गई तो मुश्किल हो गई। मेरी वाइफ ने अपने इन लॉज यानी अपने माता पिता को, मेरे इन लॉज, उनको बहुत ब्लेस किया। और जब ये हुई थी अपने घर पे, तीसरी लड़की है ये, जब ये हुई थी तो रिश्तेदार रोए थे, जैसे कोई मरने पर रोता है, तो रिश्तेदार रोए थे आके, मतलब पंजाबी जी की कहने वैनपण वैन पाए आके, रोए पिट्टे पिट्टे रोए पिट्टे कि तीजी कुड़ी होगी प्यारे तेरे घर ते तू मर गया एक तरह। इसका बाप था, इसका मेरा फादर इन लॉ था, जो ये बोला कि नहीं, अगर ये प्रभु ने इसको भेजा है तो ये अपने सिस्टम से भेजा है। सुनो, दूसरे क्या सोचते हैं आपकी आपके बारे में मायने नहीं करता, पर आपका परिवार मायने करता है। सुनो, आज यही लड़की है जो उनके लड़के से भी 10 गुना ज्यादा उनको ब्लेस कर रही है। हाँ, तो क्या लड़की या लड़का मायने नहीं करता? परमेश्वर अगर तुम्हारी जिंदगी में है तो लड़की कई बार 10 लड़कों से भी उत्तम हो जाएगी आपके लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर लड़का दे सकता, आप मांगेंगे वो देगा, लेकिन क्या ब्लेसिंग लड़के में है कि लड़की में है? ना तो वो लड़के में है ना वो लड़की में, वो परमेश्वर में है। लोग भागे भागे भागे, ओ इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स, सुसाइड कर लिया उसके बाद। ओ सरपंच बन जाओ, सरपंच सरपंच बन गए, काउंसलर बन जाओ काउंसलर, ओ एमएलए की टिकट मिल जाए, एमएलए की टिकट मिल गई, ओ मंत्री बन जाओ मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गए, बच्चे सुसाइड कर गए। ये दुनिया की सैड रियलिटी है, क्योंकि ब्लेसिंग ना तो बिशप की पोस्ट में है ना प्रेरित की पोस्ट, ब्लेसिंग प्रभु के अंदर है। आप जो भी हैं उसके अंदर, अगर आप परमेश्वर के अंदर हैं तो कुछ भी बदल सकता है किसी भी चीज में।